अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक। फाइनली हम लोगों का दोबारा से प्रोग्राम बन गया है टूर का। ये दावर भाई हमारे ग्रुप लीडर, और ये कैप्टन उस्मान, और वो शरिया एडवोकेट। तो हम लोग जा रहे हैं पांचों खैर से अस्तोर वैली, और आज हम लोग अपने दोस्त शरी भाई की तरह स्टे कर रहे हैं। इंशाल्लाह सुबह 9 बजे की बस है हमारी इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद के बाद इंशाल्लाह अपने डायरेक्ट अस्तोर जाना है। और बाकी ये भाई ये आपको बताएंगे कि जहाँ पे हम रह रहे हैं इस टाइम क्या तुम्हारे फीलिंग है, क्या हमारे साथ हो रहा है यहाँ पे। नहा के आए थे, लेकिन भैया मेहमान जाके दोबारा नहाना पड़ना, इंशाल्लाह जी। बाकी जो भी शुगर होगा आपके साथ साथ हम सारा गाइड करते रहेंगे और एंटरटेन करते रहेंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, हम लोग इस टाइम बेरा से आगे कंटिन्यू हो चुके हैं रावलपिंडी की तरफ। अब आपको दिखाते हैं कि ये पीछे वाली वहाँ इस टाइम क्या कर रही है। ये दो पशिंदे ये इस तरह सोए हुए हैं रिलैक्स मोड में। ये हमारे कैप्टन साहब चिप्स खा रहे हैं और हम भी सोने की तैयारी में। ये पीछे जो पीछे मस्जिद बनी हुई है होटल मोटरवे पे मानसेरा से पहले, यहाँ पे हमने असर की नमाज अदा की है, और अब हम सारे फ्रेंड्स आगे स्टोर की तरफ कंटिन्यू करने लगे हैं। बाकी जो अपडेट है मौसम देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतना आउटक्लास मौसम हो गया, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आगे भी स्टोर में बहुत ही ज़बरदस्त मौसम मिलेगा इंशाल्लाह। हम लोग इस टाइम अस्तोर पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इस टाइम अस्तोर शहर में खड़े हैं हम लोग। अब हम लोग आगे अस्तोर से रामा लेक की तरफ ट्रेवल करने लगे हैं। जैसे गाड़ी पे आओ निकलने लगे हम। ये पीछे ये काली जीप खड़ी है, इसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह आगे रामा लेक की तरफ जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लेक है वो, इंशाल्लाह आपको वहाँ जा के बाकी मज़ीद गाइड करते हैं। हम लोग निकल चुके हैं रामा लेक के लिए, इस टाइम जीप में सफर कर रहे हैं, और बाकी सफर बड़ा मजेदार है। ये भाई बार बार हाथ कर रहे हैं आगे, इनको पकड़ने का शौक है, हाथ करने का शौक है, इनको पकड़ने का शौक है बहुत ज्यादा, इसलिए बार बार हाथ आगे करते हैं ये।
रामा लेक की तरफ हाइकिंग स्टार्ट हो गई है इस टाइम। ये हम लोग रामा लेक के ट्रैक पे हैं। वो शहरी भाई और वो साथ एक फसा यहाँ के रिहायशी हैं, हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तो बहुत ही थोड़ा सा चले हैं और सांस की हालत देखें आप लोगों को, आवाज़ से फील हो रहा होगा कि सांस काफ़ी चढ़ गया है। बाकी मज़ीद ऊपर जाके आपको रामा व्यू दिखाते हैं। कोई मसला पैदा हो गया है हमारे कैप्टन शहर यार सरफराज के साथ। दावर भाई क्या मसला हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई को ना, कब्ज हो गई है और कब्ज के साथ साथ ना दर्द हो रही है। कहाँ पे? उस जगह पे ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कोई जुगाड़। ये देखिए, ये भी हमने जुगाड़ लगाया कब्ज को खोलने के लिए। ये एक होल हमने डाला था इसमें करने के लिए। ये देखा था कि ये होल या आप इजीली कब्ज खोल सकते हो अपनी बैठ के। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं जैसे ही आगे हम बढ़ते जा रहे हैं चढ़ाई भी इतनी स्टीप होती जा रही है, बिल्कुल सीधी, और पाथ भी छोटा होता जा रहा है आगे। ये दो भाई तो आगे चले गए हैं, ये पीछे दो भाई पीछे आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, बाकी रामा जाके आपको दिखाते हैं। देखें जी, आप देख सकते हैं तो जाते हमारे खाई में ये ट्रैक कितना को गंदा ट्रैक है। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल फंसे हुए हैं। और ये हमारी बदकिस्मती से ये स्टिक भी नीचे चली गई है। ये आप देखिए, ये खाए में इंस्टीट्यूट है। ये हम लोग पहले ग्लेशियर तक पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। दावर भाई कितने ग्लेशियर आने हैं टोटल? टोटल 9 से 11 आएंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अब ये पहला ग्लेशियर हम क्रॉस कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दावर एक पहले चक्कर रामा लेक से थोड़ा से पीछे, यहाँ आप देख सकते हैं कि बर्फ के ग्लेशियर स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो ये पानी ग्लेशियर्स के अंदर से आ रहा है, ये रामा लेक के अंदर से पानी आ रहा है। अब पीछे देखें, ये मिट्टी पड़ी हुई है ग्लेशियर्स के ऊपर सारी, लेकिन यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ क्लियर होता जा रहा है। आगे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फ़ की हाइट कितनी है। लेकिन सुभान अल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। From the pain, speaking my lesson. From the